व्हाट्सअप गाइज, आज दोस्तों आपको बताऊंगा वीवो V23 में दोस्तों आप एनिमेशन को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। जितनी भी टाइप्स की यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी स्मार्टफोन में, चाहे फिंगर की हो, फिंगर आइकन हो, फेस लॉक है, चार्जिंग एनिमेशन है, इसके अलावा USB वगैरह की एनिमेशन है, तो तमाम एनिमेशन की आपको इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसे कैसे कस्टमाइज़ करना है, उसे चेंज कैसे करना है। चलिए करते शुरू। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर फिंगर लॉक सेट कर लिया है। तो आपने दोस्तों अगर एनिमेशन चेंज करनी है तो फिंगर ज़रूर सेट कर लीजिएगा और फेस लॉक भी सेट ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं टैप करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों हमें एनिमेशन देखने को मिलती है। इसे कैसे चेंज करना है, सेटिंग में दोस्तों आपने आना है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डायनामिक इफेक्ट्स, इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। दोस्तों जो भी स्मार्टफोन वीवो का इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर सपोर्ट करता है, अगर उसमें डायनामिक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है तो आप ये जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन। सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों जो फिंगर का आइकन है आप उसे चेंज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास यहाँ पर आइकन मिल जाते हैं, तो आप उनमें से किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों ये मुझे अच्छा लगा है फर्स्ट वाला, मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। इसके बाद फिंगरप्रिंट के एनिमेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, इस पर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास फिंगरप्रिंट की जो एनिमेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत से ऑप्शन। आप किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा ये भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर दोस्तों मेरी फेवरेट ये एनिमेशन है जो कि दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये अप्लाई हो जाएगी, और अब मैं दिखाता हूँ क्या हमारे पास चेंज हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ तो आपने देखा एनिमेशन चेंज हो चुकी है। तो इसके बाद मैं बताऊँगा दोस्तों आपको फेस के बारे में, तो नीचे हमारे पास फेस का ऑप्शन मिल जाएगा, फेस लॉक जरूर सेट कर लीजिए, अदरवाइज दोस्तों ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने सबसे पहले हमारे पास इस तरह की डिफ़ॉल्ट मोड में सेट हो गई, तो आप दोस्तों अपनी मर्ज़ी से किसी भी फेस की जो एनिमेशन है, अनलॉक की एनिमेशन है, उसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये अच्छी लग रही है मुझे, मैं इस पर अप्लाई करूँगा दोस्तों ये हमारे पास सेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर फेस लॉक सेट नहीं किया क्योंकि इसे यूज़ करने के लिए फेस लॉक आपको सेट करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा रहा था, आप फेस लॉक सेट कर लीजिए, इसके बाद दोस्तों आप इसकी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से चार्जिंग एनिमेशन है, जब भी आप दोस्तों स्मार्टफोन को चार्ज पर लगाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से इनकी जो एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो एनिमेशन दोस्तों हमें यहाँ पर दिखाई देती है, तो इस तरह की दोस्तों जितनी भी एनिमेशंस हैं आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है जब दोस्तों आप स्मार्टफोन में USB वगैरह लगाएंगे, आप फ्लैश वगैरह या OTG दोस्तों आप लगाएंगे, तो एक एनिमेशन दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की जाने मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई कीजिए, तो उसके बाद दोस्तों सेट हो जाएगी। तो लास्ट में है स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। तो यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन पर इस वक्त कोई भी एनिमेशन सेट नहीं है, कोई भी एनिमेशन नहीं है जब स्मार्टफोन को डिस्प्ले ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। तो अगर इस पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ, इसका जो व्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर व्यू देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से इसकी जो एनिमेशन है इन ऑन और ऑफ की उसे सेट कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो एनिमेशन सेट हो जाएगी, जब भी स्मार्टफोन का डिस्प्ले दोस्तों आप ऑफ करेंगे तो आपने देखा कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एनिमेशन के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।